जय श्री माता जी। ये भी बहुत है। आज हम जिला अम्बाला के उगाड़ा गांव के अंदर हमारे एक सहज योगी किसान भाई हैं जसविंदर सिंह जी। इन्होंने अपने खेत में सहज विधि से खेती की है और जो श्री माता जी की कृपा से एक बहुत ही अच्छा परिणाम आया है। आज हम सबसे पहले आपको उनकी फसल दिखाते हैं। ये उनकी फसल श्री माता जी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं है इसमें। आगे तक दिखाओ धीरे धीरे। श्री माता जी कृपा से उन्हें पूर्ण सहज विधि से ये फसल की है। आज हम अपने किसान भाई जो सहजी हैं जसविंदर सिंह जी, आज उनसे आपकी बात करवाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने सहज विधि से कैसे फसल की है और उनका पहले फसल का क्या हाल था और आज हमारा इनकी फसल में कितनी तरक्की हुई है, कितनी उन्नति हुई है। हाँ जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आपका नाम क्या है जी? जसविंदर सिंह। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। मेरा नाम जसविंदर सिंह है जी। आपका गांव कौन सा है जी? उगाड़ा जी। जिला? अम्बाला जी। अच्छा, ये फसल आपकी है? हाँ जी, हाँ हमारी है जी। तो आपने ये फसल कैसे की है, ज़रा आप बताएंगे सहज विधि से कैसे की आपने फसल? ये आपको कैसे पता लगा इसके बारे में? हमको जी दीदी ने जो बोला था जी, उसी तरह माता का नाम लेख जी, उसी तरह जी बीज बोना, उसी तरह खाद बोना जी, खेत में डालना जी, उनका नाम लेकर, उनकी दया कृपा से सब कुछ है जी। 20 साल के बाद। अच्छा, ये फसल आपकी 20 साल के बाद ऐसी हुई है? हाँ जी। हाँ, उससे पहले कैसी फसल थी आपकी? हमारे पास 16-17 क्विंटल जोर लेकर निकले करते जी खेत में। अच्छा जी। हाँ, 16-17 क्विंटल आपकी निकलती थी फसल। हाँ। और उसमें बीमारी भी आती थी? हाँ जी हाँ। अच्छा, और खाद वगैरह कितना डालते थे आप? खाद पहले गेरे थे 4-4 थैले जी, इबका गेरे जी मैंने 1.5-2 जी। अच्छा, 1.5-2 कट्टे आपने उसके। कोई DAP वगैरह का यूज़ किया आपने? ना जी ना। ठीक है जी। कोई स्प्रे किया आपने फसल पे? नहीं जी नहीं, कोई स्प्रे नहीं किया। अच्छा, और आपकी फसल, आसपास की फसल कैसी है, खड़ी है या पड़ोस की गिरी हुई है? हाँ जी, गिर गई जी पड़ोस की फसल। फसल अच्छा, ये श्री माता जी कृपा से फसल खड़ी है, ठीक खड़ी है जी। बारिश वगैरह का इस वक्त नहीं? ठीक है जी, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को, क्या संदेश देंगे इस बारे में, सहज कृषि आपने जैसे की है? मैं तो यही कहूँ जी, सहज योग में जाओ और वहाँ पर बैठ कर बात करो, आपको सब सीधा रास्ता पाने वाले, कोई उल्टा रास्ता नहीं दिखाने वाले। ठीक है जी। हाँ जी। तो आपने अपने गांव में किसानों से इसका जिक्र किया? हाँ जी, हमारे सब किसानों भाइयों को पता जी, वो मजाक करा जी सगो महाराज। अच्छा। हाँ जी। हाँ, क्या कहते हैं जी वो? वो ये कहते हैं ले माता कर देगी कहा, बंदा करने वाला कहा, बात बोलते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। और आपको अपनी फसल से पूरी संतुष्टि है? हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है, आपने बीज को पूरी विधि से वाइब्रेट करके पूरा विधि से बोया आपने? हाँ जी हाँ, वाइब्रेट करता जी फिर बोया। ठीक है, और सभी सहजी भाई यहाँ पे सेंटर वाले आए थे? खेत में आए थे जी। अच्छा। हाँ जी हाँ, उस टाइम बीज में। अच्छा जी, ठीक है, सब उन्हीं के ऊपर है जी हमारा। ठीक है जी, ठीक है। गांव उगाड़ा के अंदर जसविंदर सिंह के खेत में हमारे सभी सहयोगी अम्बाला से, हमारे शर्मा जी कुरुक्षेत्र से, सिटी कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र जी अम्बाला से, हमारे मनु हंडा जी और ये गांव के किसान भाई साथ में सभी खड़े हैं। सभी ने जसविंदर सिंह की बात को सुना है और श्री माता जी की कृपा जो हुई है वो उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखी है। जसविंदर जी, आप अपने किसान भाइयों को क्या संदेश देंगे? मैं तो यही उनके आगे यही बेनती करूँ भी, माता जी ने अच्छा माड़ा ना कहो भी, अपने खेत में जी अगर फसल लेनी तो वहाँ जाओ, सहयोग के द्वारा करके देखो जी। ठीक है जी, ठीक है, सहयोग विधि द्वारा भी आप अपने खेत में फसल, आप इस विधि से बिल्कुल संतुष्ट हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो 3 बजे उठ जाऊँ जी, करा भी अपने 3 बजे उठ कर जी, 9 लेना स्टार्ट कर दूँ, 3:30-4 बजे अपने मंजे बैठ जाऊँ। ठीक है जी, ठीक। हाँ,
कोई एक मंत्र ले लें भैया, है ना, खेतों में माँ शाकुंभरी का मंत्र ले लो सभी। हाँ ले लो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शाकुंभरी देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री ऋतुम्भरा का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ऋतुम्भरा साक्षात् साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माँ निर्मला देवी की जय।